नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 News। TV20 News पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। अम्बेडकर नगर में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा के श्याम सुंदर वर्मा और साधु वर्मा ने समाजवादी पार्टी के अजीत यादव को हराकर एक बड़ी जीत दर्ज की है। 41 सदस्यों वाली जिला पंचायत में भाजपा को 30 मत मिले, जबकि सपा को 10 मतों से संतोष करना पड़ा, एक मत निरस्त हो गया। जिला पंचायत के इस चुनाव में अंतिम समय में सपा के कुछ सदस्यों ने भाजपा के पक्ष में मतदान कर दिया, जो सपा के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। सपा प्रत्याशी अजीत यादव ने मतदान के बाहर निकलकर यह मान लिया कि यह शासन सत्ता का चुनाव है। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया कि उनके सदस्यों को डराया धमकाया गया। वही भाजपा से जीते श्याम सुंदर वर्मा और साधु वर्मा ने भाजपा को उन्हें उम्मीदवार बनाने के लिए धन्यवाद दिया और जिले के संपूर्ण विकास का दावा किया। आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाकर भारतीय जनता पार्टी के परचम को लहराने का काम किया, इसके लिए मैं आपको कोर्ट को धन्यवाद देता हूं। जिले के विकास के लिए मैं पूरी अपनी तन मन धन पूरी लगा दूंगा। जो भी विकास का कार्य आएगा उसे गांव में, जो कि जहां पे सड़कें नहीं, जहां पे नाली नहीं है, जहां पे शमशान घाटों पे अभी तक रैन बसेरा नहीं है, और जहां भी ऐसी सुविधाएं होंगी जैसे गोविंद सामठ है, हर जगह मैं विकास करने का काम करूंगा। आप जानते हैं कि ये जो चुनाव सत्ता का होता है, धन बल का है, और इन लोगों ने पूरी ताकत से 2-3 दिन से लगातार हमारे माननीय जो सदस्य हैं उनके घरों पर पुलिस द्वारा जो है दबाव बनाया गया, तमाम तरीके से उनको डराया धमकाया गया, और जिसके कारण कहीं ना कहीं जो है इस दबाव के कारण इस तरीके का जो रिजल्ट आया है। 2-3 आज ही हमारे कुछ सदस्यों के घर जो है पूरी फोर्स लगाई गई, हम साथ में बैठे थे, रात में भी कल हमारे साथी अवधेश के यहाँ वहाँ भी गई पुलिस, दबाव बनाई।